विधायक चमरा लिंडा के द्वारा 22 अप्रैल को गुमला में चुनावी नामांकन के लिए पर्चा खरीदने के साथ ही लोहरदगा लोकसभा का चुनावी पारा चढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक भूचाल आ गया है। गौरतलब है कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जिसमें 3 विधानसभा JMM के खाते में है जबकि 2 कांग्रेस के खाते में है। इसको देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट में अपनी दावेदारी किया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी परंपरागत सीट मानते हुए अपना प्रत्याशी आनन फानन में सुखदेव भगत को घोषित कर दिया। इधर JMM ने विधायक चमरा लिंडा को अपना उम्मीदवार घोषित करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और लंबे समय तक अपनी दावेदारी करती रही, परंतु इंतजार की घड़ी खत्म होने से कुछ दिन पहले ही विधायक चमरा लिंडा ने 22 अप्रैल को पर्चा लेकर सबको चौंका दिया। विधायक श्री लिंडा के पर्चा खरीदते ही राजनीतिक सरगर्मी का पारा इतना चढ़ गया है कि लोग उनके चुनावी मैदान में आने से यह कयास लगा रहे हैं कि अब तो भाजपा का रास्ता साफ हो गया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन भाजपा रणनीतिकार यह भी कहते हैं कि भाजपा का डगर इतना आसान मत समझिए हुजूर, क्योंकि चमरा लिंडा 3 बार भाजपा को पटकनी दे चुके हैं और चमरा लिंडा के पास एक बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाता गोलबंद है। इधर मुस्लिम कार्यकर्ता भी लगातार उनके संपर्क में हैं और बड़ी संख्या में ईसाई व मुस्लिम मतदाताओं का रुझान यदि चमरा लिंडा के ऊपर होता है तो नतीजा चौंकाने वाला आएगा। इधर चमरा लिंडा के पर्चा खरीदते ही कांग्रेस की धड़कनें तेज हो गई है और कांग्रेसी कार्यकर्ता कई जगह मायूस दिख रहे हैं। कुल मिलाकर विधायक चमरा लिंडा के मैदान में आने के साथ ही लोहरदगा लोकसभा का चुनाव मोड़ दिलचस्प हो गया है। यहाँ चुनाव त्रिकोणीय होगा और बाजी कौन मारेगा यह समय तय करेगा। फिलहाल तो हर गली मोहल्ले चौक चौराहे में एक ही चर्चा है कि भाई चमरा लिंडा मैदान में आ गया, अब चुनाव में मजा आएगा। 2024 लोकतंत्र के इस महापर्व का जो आगाज हो चुका है उस पर सम्मिलित होने के लिए हम लोगों ने आज हमारे माननीय विधायक श्री चमरा लिंडा जी के लिए पर्चा आज खरीदा है। 2 साल पूर्व ही हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रहे हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, 2 साल पूर्व से ही से हम लोगों ने अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराया था और इस क्षेत्र का हम लोग प्रतिनिधित्व करना चाह रहे थे और निश्चित तौर से उन लोगों ने भी प्रयास किया था, लेकिन बहरहाल जो भी परिस्थिति रही नहीं हो पाया, वो गठबंधन का ये नहीं बन पाया, लेकिन भी आम जनता की भावना को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस चुनावी इसमें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।